आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को कोची में खत्म हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल की फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों को खरीदने में करोड़ों रुपए की बारिश की है। इस मिनी ऑक्शन में इंग्लैंड टीम के हरफन मौला खिलाड़ी सैम करन को किंग्स इलेवन पंजाब ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है, जो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आईपीएल की फ्रेंचाइजियों के पास इतना पैसा आता कहां से है, और अगर वो इतने पैसे अपने जेब से खर्च कर रहे हैं तो उसके बाद उन्हें कितनी कमाई होती होगी। आपके इन सवालों का जवाब हम अपने इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं क्रिकेट इन्फॉर्मर। टीम बनाने में अधिकतम खर्च। मौजूदा समय में आईपीएल में कुल 10 टीमें प्रतिभाग करती हैं, जिसमें एक टीम अपने स्क्वाड में अधिकतम 25 खिलाड़ियों को सम्मिलित कर सकती है, और इसमें भी विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है। इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में सम्मिलित करने के लिए सभी फ्रेंचाइजियों के पर्स में 90-90 करोड़ रुपए निर्धारित होते हैं। मतलब साफ है कि कोई भी फ्रेंचाइजी अपने 25 सदस्यीय टीम बनाने के लिए 90 करोड़ रुपए से अधिक नहीं खर्च कर सकती है। यानी खिलाड़ियों को अपने खेमे में लेने के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजियां कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपए अधिकतम खर्च कर सकती हैं। फ्रेंचाइजियों की आमदनी के 3 तरीके। आईपीएल को आयोजित करने का काम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड करता है। ऐसे में बीसीसीआई और आईपीएल की फ्रेंचाइजियों को खरीदने वाले मालिकों के कमाई का 3 जरिया है, जिसमें सेंट्रल रेवेन्यू, प्रमोशनल रेवेन्यू और लोकल रेवेन्यू शामिल है। फ्रेंचाइजियों के मालिकों को सर्वाधिक कमाई सेंट्रल रेवेन्यू से होती है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर प्रमोशनल रेवेन्यू और तीसरे नंबर पर लोकल रेवेन्यू आता है। सेंट्रल रेवेन्यू बीसीसीआई और आईपीएल के फ्रेंचाइजी के मालिकों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। इसमें बीसीसीआई अपने मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्ट के राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप को बेचती है, जिसमें उन्हें सबसे अधिक कमाई होती है। यह फ्रेंचाइजियों को होने वाली कुल कमाई का 60-70% का हिस्सा है। आसान भाषा में समझे तो बीसीसीआई किसी प्रसारक को मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्ट राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप बेचकर जितना रिवेन्यू जुटाता है, उसका 50% हिस्सा सभी टीम में बराबर बराबर बांट देता है, जबकि बचा हुआ 50% बीसीसीआई खुद रखता है, जिसे वह अपने घरेलू क्रिकेट पर खर्च करता है। अभी आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं। साल 2008 में आईपीएल के शुरुआती समय में बीसीसीआई ने सेंट्रल रेवेन्यू को 80% और 20% के अनुपात में बांटा था, लेकिन धीरे धीरे बीसीसीआई ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 50% कर दिया और अभी 50-50 मॉडल लागू। प्रमोशनल रेवेन्यू। इस प्रकार के रेवेन्यू में आईपीएल की फ्रेंचाइजियां अपने कुल कमाई का 20-30% हिस्सा प्राप्त करती है। थोड़ा आसान भाषा में कहें तो खिलाड़ियों की टोपी, जर्सी, जूता और हेलमेट पर दिखने वाली कंपनियों के नाम और लोगों से फ्रेंचाइजियों को काफी अधिक आय होती है। इस कैटेगरी में आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों द्वारा विज्ञापन शूट करके जुटाया गया धन भी शामिल है। लोकल रेवेन्यू। लोकल रेवेन्यू में भौतिक रूप से मैदान पर जाकर क्रिकेट देखने वाले दर्शक के द्वारा खरीदे गए टिकट, लोकल रेवेन्यू में भौतिक रूप से मैदान पर जाकर क्रिकेट देखने वाले दर्शकों के द्वारा खरीदे गए टिकट से प्राप्त धन शामिल है। आईपीएल के प्रत्येक सीजन में 7-8 घरेलू मैचों के दौरान फ्रेंचाइजी मालिक टिकट बिक्री का अनुपात 80% हिस्सा अपने पास रखते हैं, जबकि बाकी का 20% हिस्सा बीसीसीआई और प्रायोजकों के बीच बढ़ जाता है। यहाँ एक और बात हम साफ कर दें, मैच के दौरान दर्शकों द्वारा खरीदा गया जर्सी, टोपी और अन्य सामानों को बेचकर प्राप्त किया गया धन भी लोकल रेवेन्यू में आता है। प्राइज मनी। आईपीएल के पिछले सीजन के मुताबिक खिताब जीतने वाले गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया था, जबकि उपविजेता राजस्थान रॉयल्स को 12 करोड़ 50 लाख रुपए की इनामी राशि मिली थी। वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 7 करोड़ और चौथे पायदान पर रही लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 करोड़ 50 लाख रुपए मिले थे। प्राइज मनी का आधा पैसा टीम के मालिक और आधा खिलाड़ियों को मिलता है। वैसे तो आईपीएल की फ्रेंचाइजियां एक सीजन में कितने पैसे कमाती हैं, इसका बिल्कुल सही आंकड़ा बता पाना थोड़ा मुश्किल है, परंतु औसत कमाई 300 करोड़ के आसपास होती है, जिसमें से यदि खर्च को घटा दिया जाए तो सभी फ्रेंचाइजियां औसतन 140 से 170 करोड़ के बीच लाभ प्राप्त करती है। आपको बता दें, आईपीएल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आईपीएल 2023 के दौरान फ्रेंचाइजियों के मालिकों की कमाई और बढ़ने की उम्मीद है।